video, we are going to solve a question from R.D. Sharma Maths book, which is of class 9. So, without wasting any time, let's start the video. So, इस question को इस video में मैं आपको solve करके दिखाने वाली हूँ और ये question काफी times आपके half yearly exams में आ जाता है solve करने के लिए. So, पहले ये question देखने में तो बड़ा लग रहा होगा, लेकिन solve करने पे ये बहुत simple है. So, पहले क्या करेंगे हम? 64 के factor निकालेंगे और 4 के factor निकालेंगे. So when we will find the factors of 64, we will get this. यानी कि 64 के factor करने पे 6 आ जाएगा. यानी कि 2 is to power 6, यहाँ पे इसके बीच में कोई sign नहीं है, यानी कि multiply का है. So a upon 6 हो जाएगा. Upon 4 का जब factor करेंगे, तो 2 square हो जाएगा into a, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई sign नहीं है, यानी multiply का sign हुआ. Then multiply. बेस हमारे यहाँ पे ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है. सो आई होप ये आइडेंटिटी आपको पता होगी कि जब बेस सेम हो बट पावर्स डिफरेंट हो तो उनके पावर्स में सब्ट्रैक्शन हो जाता है. सो यही वाली आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे. सो 2 2a + 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस 1 हो जाएगा. नेक्स्ट अब हम इसे 6 और 6 कैंसिल आउट कर सकते हैं. क्या बचा हमारे पास? 2 is to power a, नीचे 2 is to power 2 ये बचा हमारे पास रिमेनिंग में. अब यहाँ पे 2 था, 2a + 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. अब हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2a से a माइनस होगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पहले मैं यही सॉल्व करके आपको शो कर देती हूँ. हमारे पास क्या बचेगा? 2a में से 1 a गया, तो हमारे पास 1 ये बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 2a के पास प्लस का साइन है. देन 1 + 1 2 हो गया. नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस सेम है बट वी हैव डिफरेंट पावर्स, सो वी हैव टू अप्लाई दिस सेम आइडेंटिटी हियर. यही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे. सो ये हो जाएगा a माइनस 2a. इसके बाद बेस सेम, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस a इंटू 2a + 2. अब क्या करेंगे हम? बेस हमारे पास सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. सो जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और बेस सेम होता है तो उनके पावर्स में एडिशन हो जाता है इंस्टेड ऑफ सब्सट्रैक्शन. सो यहाँ अब हमें वही सेम चीज करना है. बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो 2 - a + a + 2. माइनस ए प्लस ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमारे पास क्या बचा? 2 स्क्वायर यानी 4. तो इस इक्वेशन का आंसर क्या है? 4 है. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे. अगर ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आए तो प्लीज इसे जरूर अटेम्प्ट करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें. अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय बाय.